छः नंबर में है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की सीट की आवश्यकता है। तो मतलब क्षेत्रफल पूछा, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। सबसे पहले बर्तन की धारिता मतलब आयतन लीटर में दिया हुआ, हमको इसको लाना है मीटर में। लेकिन डायरेक्ट आप समझिएगा नहीं मीटर में लाने के लिए क्या करते हैं कैसे करते हैं, तो आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं, उसके बाद हम इस काम को आगे करते हैं। इसी चैप्टर में आप अभी 1 नंबर में पढ़े होइएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। मतलब अभी जितना हमको 6 नंबर में दिया हुआ इतना लीटर, इसमें अगर 1000 से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। थोड़ा सा हम आपको समझाने के लिए बड़ा विस्तार से बना रहे हैं। इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलने के लिए क्या करेंगे, 15.4 में गुना करेंगे 1000। ठीक है, 1000 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 15400 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हमको लाना है मीटर क्यूब में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, चूँकि 1 मीटर क्यूब बराबर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब में 100 को 3 बार लिखना पड़ेगा, कितना सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर कितना है 15400, इसको बदलना है मीटर क्यूब में, तो इसको 1 पर 00, 1 पर 00, फिर 1 पर 00 से भाग देना पड़ेगा, 00 कट जाएगा, 4 जीरो, 4 अंक के बाद 0.0154 मीटर क्यूब, इतना ये हम बदल दिए, या आप हम डायरेक्ट ये इस बात को डायरेक्ट लिख देते हैं, आपके पल्ले नहीं पड़ता। ठीक है, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल में त्रिज्या की जरूरी पड़ेगी, तो पहले हम त्रिज्या निकालते हैं आयतन से। आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आयतन दिया हुआ है कितना, 0.0154 मीटर क्यूब बराबर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर एच 1 मीटर है, ये 22/7 गुना में है तो भाग में चला जाएगा, 0.0154 ये 22/7 भाग में आएगा, 22/7 बराबर आर स्क्वायर गुना 1 आर स्क्वायर। अब देखिए भाग में है तो इसको भाग को उल्टा गुना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो 0.0154 गुना 7/22, काट दीजिए 22/7 154 बराबर आर स्क्वायर 7/7 49, 1, 2, 3, 4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो 1, 2, 3, 4 अंक के बाद दशमलव दे दिए। ठीक है, कुछ नहीं रहता तो 0 लाते हैं, बराबर आर स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, 0.0049 बराबर आर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 0.07, ये आ गया मीटर में त्रिज्या। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें निकालना है, बोल क्या रहा है कि धातु की सीट कितनी लगेगी। बर्तन है तो पता है ढका हुआ रहेगा, तो संपूर्ण का क्षेत्रफल यहाँ पर लगेगा, वक्र का लगाइएगा तो नहीं होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2πr×r+h, 2π का मान 22/7, r का मान 0.07, 0.07 प्लस एच का मान 1। ठीक है, देखिए 7 7 कट गया, 22 2 44 गुना 0.0 कट गया तो 0 1, इधर गुना होगा इसको जोड़ देंगे 1.07, गुना कर देते हैं तो 0.44 गुना 1.07। ठीक है, दोनों को गुना करेंगे, ये भी मीटर में ये भी मीटर में, गुना करने पर आ जाता है 0.4708 मीटर स्क्वायर, यही आंसर। ठीक है, सबसे पहले हम लीटर में बदलने के बाद आयतन का सूत्र लगाकर त्रिज्या ज्ञात किया, फिर क्षेत्रफल का सूत्र लगाकर क्षेत्रफल ज्ञात किया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए 8वां सवाल देखिए।